बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आज एक बहुत बड़ा बिल फिर से सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसके पास होने की भी पूरी पूरी संभावना बन गई है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, पर राज्यसभा में कहा जा रहा है कि उसे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, पर कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके समर्थन में नीतीश कुमार के आने के बाद और कई दल भी समर्थन करेंगे और ऐसी स्थिति में 240 सदस्यों वाली राज्यसभा में भी बिल पास कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जो क्षमता है सदस्यों की, उसमें भाजपा के पास अपने 83 सांसद हैं और एनडीए के कुल मिलाकर 109 सांसद हैं, जबकि बीजद, शिवसेना, टीआरएस व वाईएसआर सीपी के 18 सांसदों का समर्थन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। इस साल की शुरुआत में राज्यसभा का गणित पक्ष में नहीं होने और एनडीए के समर्थन की संभावना वाले दलों के विरोध में इसे उस सदन में लाया नहीं जा सका था। अब स्थितियां अंक गणित के हिसाब से बदलने लगी हैं और इसे देखकर भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को पास कराने में जरूर कामयाब हो जाएगी, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। आपको बता दें कि विधेयक में जरूरी बदलाव कर भाजपा ने पूर्वोत्तर के दलों को अपने साथ खड़ा कर लिया है। पिछले बार विरोध करने वाले जदयू भी अब उसके साथ हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जीत मिल सकता है। आपको बता दें कि आज यानी सोमवार को विधेयक दोनों सदनों में सांसदों को भिजवा दिया गया है। संभावना है कि इसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा, फिर कल संभवतः इसे राज्यसभा में बहस कर पारित कराया जाएगा। उसी दिन इसे राज्यसभा में भी रख करके और बहस करा करके पास कराने की पूरी तैयारी है। बुधवार को यहां पर चर्चा होगी। हालांकि विधेयक के दोनों सदनों में वितरित कर दिए गए हैं, इसलिए आखिरी क्षण में सरकार की रणनीति बदलाव होने की संभावना है। लोकसभा में भाजपा को भारी बहुमत है और वहां उसका, जैसा कि हमने बताया, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। राज्यसभा में भाजपा के पास अपना एनडीए का बहुमत नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि उसके बाद भी उसने कई ऐसे अहम बिलों को पास करा लिया था। पिछले सत्र में अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर उसने विपक्ष में सेंधमारी कर बड़े अंतर से इसे पास करा लिया था। नागरिक संशोधन विधेयक भी सरकार के लिए उतना ही अहम है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी, राजद, माकपा, भाकपा जैसे दल इसका विरोध कर रहे हैं। आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर विरोध के कारण क्या हैं, तो आपको बता दें कि विधेयक को पास करने के लिए जो शर्तें रखी गई है इन दलों के द्वारा, वो थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी से अलग है। विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों, हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन, सिख व ईसाइयों में के भारत आने पर उनको जल्द नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि बंटवारे के समय कुछ मुसलमान भी इन दलों के अनुसार अलग अलग देश में चले गए थे और ऐसी स्थिति में वो अगर वापस लौटना चाहते हैं तो उनको भी शामिल कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित जो विपक्ष है और एक खेमा है विपक्ष का, वो हमेशा विरोध में खड़ा रहा है। अब स्थिति ये है कि इन बिलों को लेकर जिस तरह का वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के हवाले से आ रहा है, उसमें कहा यह जा रहा है कि ये तीनों मुस्लिम राष्ट्र हैं और वहाँ पर समस्या अल्पसंख्यकों का है, न कि मुसलमानों का, और ऐसी स्थिति में इस पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। देखने वाली बात ये होगी कि इतने सारे बातों के बाद जब नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया है तो बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है और नागरिक संशोधन बिल पर नीतीश कुमार
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के फुल समर्थन में जाने के बाद विपक्ष के निशाने पर हैं। देखना ये होगा कि इस बिल को पास करने में, जैसा कि लग रहा है कोई परेशानी तो नहीं होगी, फिर भी कितनी मुश्किलें खड़ा कर पाते हैं विपक्षी दल। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।